पचन संस्था का चिड़चिड़ापन, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त क्यों महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। ये जो इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर जो है, इसके कुछ क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया में ऐसा है कि भाई बार बार पेट में दर्द होके ऐसा अच्छा नहीं लगना, डिस्कम्फर्ट लगना पेट में, और उसके साथ साथ तीन में से दो क्राइटेरिया यदि फुलफिल होते हैं तो हम उसको इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर ऐसा बोल सकते हैं। तो ये तीन कौन से क्राइटेरिया है? एक है कि लैट्रिन होने के बाद में पेशेंट को अच्छा लगना, नंबर एक। नंबर दो है कि जब वो लैट्रिन करता है तो उसका जो मतलब जो ऑनसेट है इरिटेबल बाउल का, तो लैट्रिन के बाद में मतलब जो शुरुआत होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, मतलब लैट्रिन लगने की, शौच लगने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है शुरुआत में। तो एक सेकंड क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है कि लैट्रिन होने के बाद में अच्छा लगना। तो दूसरा क्राइटेरिया है कि लैट्रिन होने के बाद में मतलब शौच होने के बाद में या स्टूल होते समय उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मतलब वो ज़्यादा हो जाना शुरुआत में। और नंबर तीन है कि शुरुआत में स्टूल का जो फॉर्म रहता है, मतलब शौच का जो फॉर्म रहता है, एक तो पतला रहेगा या बहुत कड़क रहेगा। तो ऐसे ये तीन क्राइटेरिया है, और ये तीन में से यदि दो फुलफिल होते हैं, पेट में दर्द है, डिस्कम्फर्ट लग रहा है, और कम से कम तीन दिन हर महीने में, एक महीने में, पिछले एक महीने में कम से कम तीन दिन, ऐसा पिछले तीन महीने में होना जरूरी है। मतलब तीन 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 का फॉर्मूला है, देखो तीन दिन एक महीने में, मगर तीन महीने से ऐसा होना चाहिए। तो पिछले तीन महीनों में ऐसा हर महीने में एक बार, ऐसे तीन बार हुआ, तीन दिन हुआ, हर महीने में एक बार ऐसा तीन दिन हो रहा है, ऐसे पिछले तीन महीने से हो रहा है। और ये जो क्राइटेरिया मैंने बताया तीन, उसमें के दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। एक हो गया इम्प्रूवमेंट विद डिफिकेशन, मतलब लैट्रिन होने के बाद में अच्छा लगना। नंबर दो, जब शुरुआत होती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी और स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हो जाना। और नंबर तीन जो है वो है कि जब शुरुआत होती है तो उसका जो कड़कपना है स्टूल का या पतलापन जो है वो शुरुआत में पतला या गाढ़ा हो जाता है, बाद में शुरुआत हो जाती है। तो ये जो इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर है ये 10% लोगों को है, 10%, और ये तीसरा कॉमन डिसीज है, तीसरी कॉमन बीमारी है, पेट दर्द की बीमारियों में से तीसरी कॉमन बीमारी है, जिसमें जीवन जीने का दर्जा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ और टाइम ऑफ वर्क जो है मतलब काम करने से छुट्टी लेनी पड़ती है लोगों को, और छुट्टी लेकर लोगों को अपना मतलब आराम करना पड़ता है। तो वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन नंबर एक। नंबर दो, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, ये एक बीमारी है, ये नंबर दो की बीमारी है। फिर से बताता हूँ, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन नंबर एक, नंबर दो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज नंबर दो, और नंबर तीन पे आती है ये इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर। मतलब इतना कॉमन है, 10% लोगों को है, थर्ड कॉमन। और फिर इसमें ये बार बार पेट दर्द करना। अब इसके साथ साथ फिर काफ़ी सारे सिम्टम भी हो सकते हैं, जैसा ढकार आना, हिचकी आना, फिर सीने में बहुत अंगार हो जाना, आगा हो जाना, या पानी ऊपर ऊपर आना, मुंह में पानी आना, पेट में ऐसा डिस्कम्फर्ट है, ऐसा अच्छा लगता नहीं, पेट फुला हुआ है, बहुत गैसेस है, दर्द हो रहा है, गैसेस पास हो रहे ऊपर से या गैसेस पास हो रहे नीचे से, लैट्रिन को ज़्यादा लगती है, लैट्रिन को कम लगती है, भूख नहीं लगती, या भूख लगे तो फिर थोड़ा थोड़ा अनाज खाएंगे, पचेगा नहीं, और उसको अच्छा नहीं लगता, कोई खाने में ऐसा मन नहीं करता उसका, कोई खाने में डिस्टर्ब स्लीप हो जाती है, और वो उसका पूरा ख्याल वो दिन रात इसमें रहता है, पेट के प्रॉब्लम में रहता है कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, उसको कभी पेट में दर्द हो जाएगा, कभी उसको गाढ़ी संडास हो जाएगी, कभी पतली संडास हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्या रहता है कि उसने पूरा लाइक सोनोग्राफी निकाल देती है एब्डोमेन की, फिर एक्सरे निकाल देते, MRI निकाल देते, एंडोस्कोपीज पूरी की रहती है, और सब रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी दर्द तो पेट में रहता ही है, और लैट्रिन में कम ज़्यादा होना या वो चालू रहता है, मतलब ऐसा, और उसको लगता है कि अपन ठीक नहीं है और कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है कि एक्सरे का वो मन उसमें जाने से फिर क्या होता है कि जीवन जीने का दर्जा जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो हैम्पर कर दिए, और फिर काम पर रहता नहीं आदमी, उससे भी प्रॉब्लम हो जाता है, और फिर ये प्रॉब्लम से घूमते रहते लोग। जब लोग मेरे पास में आते तो इतनी बड़ी फाइलें लेके आते हैं और फिर डाल देते टेबल के ऊपर कि लो ये फाइला और देखो हमको क्या बीमारी है, सब डॉक्टर बोलते तुमको कुछ भी बीमारी नहीं है, मगर मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो तकलीफ हो रही है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। ये जो इरिटेबल बाउल डिसऑर्डर पचन संस्था जो है तो इसका चिड़चिड़ापन है, और इसकी वजह से होता है। इसमें मेडिसिन है, इसमें साइकोथेरेपी है, काउंसिलिंग है, और इससे काफ़ी पेशेंट अच्छे हो जाते हैं और अपना जीवन अच्छे से जी सकते हैं।
तो ये 10% लोगों को, देखो कितना बड़ा इसका व्याप्ति है, और इसलिए ये लोगों, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि लोग समझ जाएंगे कि अपने को बीमारी है और लोग इसका इलाज कर लेंगे अपने डॉक्टर के पास में। कुछ लगा तो हम अवेलेबल है फोन के ऊपर, आप हमको फोन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिए हुए, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशन करके, काउंसलिंग करके उसका इलाज कर लेते हैं। तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, आप दूर रहते होंगे, तो आप कभी भी हमें कॉल करो, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, वो आपसे बातचीत करेंगे, वो आपको दवा देंगे, आपको जरूरत पड़े तो मैं कॉल पे आऊँगा और मैं आपको दवा दूंगा। ये वीडियो ज्यादा लोगों को शेयर करो, फैलाओ। थैंक यू वेरी मच।